नमस्कार, बात करते हैं अजंता इलोरा गुफाओं की। अजंता इलोरा गुफाएं जो कि एशिया की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अजंता नाम के ही एक गांव के पास स्थित है। ये गुफा घने जंगल के बीच में है, साथ ये अश्वनाल जैसे दिखने वाले घाटी पर है। ये गुफा द्वितीय शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि इस गुफा को सातवाहन वंश ने बनवाया था। अजंता गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं जो कि नदी द्वारा गठित एक जल प्रपात के दक्षिण में स्थित है। ये गुफाएं नदी से लगभग 35 से लेकर के 110 फीट तक की ऊंचाई पर हैं। इन गुफाओं में 5 प्रार्थना भवन हैं, 25 बौद्ध मठ हैं। इसे 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इन गुफाओं की खास बात यह है कि इनमें हिंदू बौद्ध जैन धर्म का सामंजस्य दिखाया गया है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि गुफाओं का गठन कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता, इसके निर्माण हेतु एलियंस की हेल्प ली गई थी। उस समय कई भारतीय संत एलियंस से बात कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने एलियंस को पृथ्वी पर बुला करके उनकी कला का प्रयोग करते हुए इन गुफाओं का निर्माण किया होगा। गुफाओं के भीतर जितने भी भारी पत्थर मौजूद हैं उन्हें उठाने के लिए उस समय कोई साधन नहीं था, तो एलियन ही इन पत्थरों को उठा करके भीतर ले गए होंगे, साथ ही इन पत्थरों को तराशते भी होंगे। एलियंस ने ही तराशने में इनकी मदद की होगी। काफ़ी लंबे समय से अजंता गुफाएं अपनी पेंटिंग्स और अमेजिंग टेंपल्स के लिए फेमस है। इसके दीवारों पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्रण हैं और कलाकृतियों के आश्चर्यजनक नमूने देखने को मिलते हैं। अजंता के 29 गुफाओं में से आज सिर्फ 6 ही गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं पर बने चित्र जो बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ चित्र बनाने से पहले इन दीवारों को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ किया जाता था, उसके बाद इन पर चित्र बनाए जाते थे। अजंता गुफा की 29 गुफाओं में से 16वें गुफा में उकेरा हुआ माणसन राजकुमार का जो चित्र है वो बहुत ही लोकप्रिय है। कहते हैं कि 475 से 500 ईस्वी में वाकाट वंश के वंशगुप्त शाखा के महाराज जिनका नाम हरिषेण था, उनके मित्र इन गुफाओं की संख्या 16 की गुफा को बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। गुफा संख्या 17 के दीवारों पर जो चित्र बना है उसे चित्रशिला कहा जाता है। अजंता की सभी गुफाओं पर जितने भी चित्र उकेरे हुए हैं वे सभी हजारों से ज़्यादा साल पुराने हैं, और इतने पुराने होने के बावजूद भी इनमें आज भी वैसे ही चमक है जैसे हजारों साल पहले हुआ करती थी। इन चित्रों में कुछ भी सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन गुफाओं के चित्रों को बनाने के लिए चावल के माड़, गोंद और कई तरह की पत्तियों और वस्तुओं को मिक्स करके उनका रंग बना करके पेंटिंग की गई थी।